नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्र का संपादकीय, चिंताजनक है चकाचौंध की राजनीति का नया दौर, जयपुर, दिनांक 6 मार्च 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय राजनीति के पिछले 73 वर्षों में अपवादों को छोड़ दें तो राजनीतिक दलों पर पूर्णकालिक राजनेताओं का ही आधिपत्य रहा है। विराम। अपने अपने दलों के लिए ये ही वोट खींचने वाली मशीन रहे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। विराम। आज के दौर के नरेंद्र मोदी को जोड़ लें तो बीच के वक्त में अपने अपने दलों के लिए यही काम सोनिया गांधी, ज्योति बसु, मायावती, ममता बनर्जी और दूसरे राजनेताओं ने किया। एनटी रामाराव, एमजी रामचंद्रन और जयललिता जैसी शख्सियतें ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में तो आईं, लेकिन बाद में उनकी प्राथमिकता राजनीति में ही रही। विराम। पैरा। पूर्णकालिक राजनेताओं में अधिकांश ने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, लेकिन इन वर्षों में ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर फिल्मी दुनिया या फिर खेल जगत से होते हैं। ताज़ा कोशिश पश्चिम बंगाल में दादा यानी सौरव गांगुली को लेकर चल रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा पिछले कई माह से दादा को अपनी टीम में लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सौरव शायद तैयार नहीं है। हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। सौरव शायद राजनीति में खुद को अमिताभ और धर्मेंद्र की श्रेणी में मानते हैं, जो दबाव में आकर इस अखाड़े में कूद तो गए लेकिन जल्दी ही पीछे हट गए। विराम। राजनीति में आने को लेकर किए सवालों पर उनका यह कहना कि हर आदमी हर काम के लिए नहीं होता, उनके दृष्टिकोण को साफ दर्शाता है। विराम। राजनीति के प्रति उनकी तल्खी इस जवाब में साफ झलकती है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, कृपया अपना प्रश्न क्रिकेट तक सीमित रखिए। विराम। निश्चित ही संविधान प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है, पर यह भी सच है कि राजनीतिक दलों के पूर्णकालिक कार्यकर्ता ग्लैमर की दुनिया से आने वालों को अपने हितों पर चोट करने वाला मानते हैं। विराम। ऐसी ही सोच अन्य दलों से आने वाले मौका परस्तों के लिए भी होती है। यह किसी एक दल की बात नहीं है, हर दल ऐसा करके उसके परिणाम भी भोगता है। विराम। पैरा। वोट खींचने के लिए लगाए गए ऐसे सेलिब्रिटी हों या फिर मर्जी से राजनीति का सुख भोगने वाले सेलिब्रिटी, सब राजनीतिक दलों में उस
नई संस्कृति को जन्म देते हैं जिससे आज भारतीय राजनीति जूझ रही है। बेहतर हो राजनीतिक दल फिर तमाम तरह की चकाचौंध से दूर सिद्धांतों की राजनीति की नींव रखें जिसमें मेहनत करने वाले समर्पित कार्यकर्ता की पूंछ हो। विराम। आशा करते हैं सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।